नमस्कार दोस्तों, आईएनसी टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं भूपेंद्र नारायण सिंह। देश किस स्थिति में है उसका अंदाजा आप कुछ उदाहरणों से ही लगा लीजिए जो पिछले एक महीने में देश के सामने आए हैं। आपको पता लग जाएगा कि देश के हालात क्या हैं। मणिपुर में हिंसा, उत्तराखंड में उत्पात, महाराष्ट्र में हिंसा, जम्मू कश्मीर में हालात खराब, हरियाणा में एमएसपी को लेकर किसानों पर लाठीचार्ज, दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला पहलवानों के साथ बर्बरताप, वो न्याय की मांग अभी तक गुहार लगा रही हैं। रेल मंत्रालय कवच की बात करता था, उड़ीसा में रेल हादसा हुआ, उसमें 288 लोगों को जान गंवाना पड़ा और हर दिन कहीं न कहीं ये बात आ रही है सिग्नल फेलियर की और भी दुर्घटनाओं की। सदी का सबसे बड़ा अडानी घोटाला, चीन लाल आंखें दिखा रहा है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। अब आपकी निजता पर हमला है और ऐसे में चुप्पी साधना का यात्रा। कोविड के नाम पर पूरा डाटा लीक, आपके मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, आपका पता, आप कहां जा रहे हैं, कहां आ रहे हैं, आपका सब कुछ सरकार की वेबसाइट से लीक हो गया। सरकार कह रही है सब चंगा से। कल एक बड़ी खबर आई कि कोविन का जो डेटा था, आप सबको याद होगा कोविड काल के दौरान अगर वैक्सीन चाहिए थी तो एक ही तरीका था, कोविन पर जाइए, अपना फोन नंबर, अपना आधार या पासपोर्ट या सेंसिटिव डेटा भरिए, उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलता था, आपको जाकर कोविड की वैक्सीन लग रही थी। और एक बात ये भी सच है कि एक ही फोन पर हो सकता है अपने घर वालों को, अपने मित्रों को, संबंधियों का भी रजिस्ट्रेशन किया गया। पता चलता है कि ये डेटा सरेआम लीक हो रहा है, टेलीग्राम का एक बॉट लगातार ये डेटा लीक कर रहा है और डेटा लीक बड़े बड़े नेताओं का हुआ, भाजपा के भी नेताओं का हुआ। पत्रकार सवाल पूछे तो मोदी सरकार के मंत्री पत्रकार की नौकरी खा लेती हैं, कुछ तो भाग भी जाती हैं। और अगर ट्विटर पर अपनी राय आप दे तो सरकार का ट्विटर को धमकी कि आप किसान आंदोलन में पक्ष में खड़े हुए तो आपके यहाँ रेड होगी, इसलिए सभी अकाउंट्स को बंद कीजिए। इंडिया फॉर एग्जांपल, इंडिया इज अ कंट्री दैट हैड मेनी रिक्वेस्ट ऑफ अस अराउंड द फार्मर्स प्रोटेस्ट, अराउंड पर्टिकुलर जर्नलिस्ट्स दैट वर क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट, एंड इट मैनिफेस्टेड इन वेज सच एज वी विल शट ट्विटर डाउन इन इंडिया, which is a very large market for us. We will raid the homes of your employees, which they did. We will shut down your offices if you don't follow suit. And this is India, a democratic country. The Twitter ex-founder and their ex-CEO, Mr. Jack Dorsey, has said that Modi government and Prime Minister used to ask for accounts of farmers and their farmer organizations to be blocked, accounts of journalists to be blocked and be shut down. They, or otherwise Twitter's office will be raided, their employees will be raided. This proves that we have dictatorship in garb of democracy in the country. Let Prime Minister come forward and answer. Thank you. Abha, main aapko ek tasveer dikhana chahta hoon, dosto. यही है वो तस्वीर। तस्वीर को गौर से देखिए, सैकड़ों लोगों की भीड़ खड़ी है, सब अपना दायां हाथ आगे बढ़ाए हुए हैं नाजी सैल्यूट के कुख्यात स्टाइल में। दुनिया का एक शख्स अपने दोनों हाथ को सीने से लगाए शांत भाव में खड़ा है, सबसे अलग, सबसे जुदा। वो इस भीड़ में खड़ा है लेकिन उसे इस भीड़ का हिस्सा बनना गवारा नहीं। इस तस्वीर की कहानी उसी शख्स की है। उस शख्स का नाम था ऑगस्ट लैंडमेसर। यहां आपको यह भी बता दूं, यह तस्वीर ली गई थी 13 जून 1936 को, लेकिन दुनिया की नजर इस तस्वीर पर पड़ी 22 मार्च 1991 को, पूरे 55 साल बाद। 55 साल बाद दुनिया ने इस तस्वीर को देखा, तस्वीर में हाथ बांधे खड़े शख्स को पहचाना, उसकी कहानी सुनी और फिर समझा कि एक अकेला प्रतिरोध क्या मायने रखता है। तस्वीर का नायक ऑगस्ट लैंडमेसर एक जर्मन नागरिक थे और उन्होंने हिटलर की तानाशाही का इसी अंदाज में विरोध किया था। सारी भीड़ हिटलर की तानाशाही के आगे नतमस्तक थी, हाथ उठाकर उसकी नीतियों का समर्थन कर रही थी, लेकिन लैंडमेसर चट्टानी इरादों के साथ शांत भाव से खड़े रहे। इस विरोध की कीमत भी उन्हें चुकानी पड़ी। उनकी यहूदी प्रेमिका ईरमा जेल में बेटी को जन्म देने के बाद गुम हो गई। खुद लैंडमेसर का आखिरी वक्त में पता नहीं चल पाया और उनकी ये कहानी भी सामने आ पाई, उसकी बेटी इरना की बदौलत, जिसने साल 1991 में एक किताब में अपने पिता के इस
साहसिक प्रतिरोध को दुनिया के सामने पेश किया। 22 मार्च 1991 को द टाइम्स ने पहली बार लैंडमेसर की कहानी के साथ इस तस्वीर को प्रकाशित किया और तब दुनिया ने जाना कि जब पूरा जर्मनी हिटलर शाही के रंग में रंगा हुआ था, तब एक ऐसा शख्स भी था जिसने अपना हाथ तानाशाही की सलामी में नहीं उठाया था। इसी तस्वीर ने लोगों को एहसास कराया कि चाहे वक्त जैसा भी हो, एक अकेला आदमी भी उसका विरोध कर सकता है। उसका विरोध वक्त के उस लम्हे में भी भले परवान नहीं चढ़ पाता, लेकिन वक्त बदलने के साथ उसका वही विरोध मशाल बनकर बदलाव का पथ प्रशस्त करता है। ऑगस्ट लैंडमेसर की यह कहानी और उनके प्रतिरोध की यह तस्वीर खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो अभी खामोश बैठे हैं, चुप बैठे हुए हैं और इस सरकार के जुल्म भी सह रहे हैं। मेरी उनसे अपील है कि वो लैंडमेसर की इस कहानी को पढ़ें, इस तस्वीर को गौर से देखें, साथ ही इस बात को याद रखें कि रात जितनी घनी और अंधेरी होती है, सुबह की किरण उतनी ही ज्यादा उजली और रोशन होती है। नमस्कार।